अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के चार सिखों की किडनैपिंग और हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। केस के मुख्य आरोपी ने अदालत से गुहार लगाई है कि वो दोषी नहीं है और उसे मामले में बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दरअसल केस के मुख्य आरोपी का नाम जीसस साल्गाडो है, जो एक ट्रैकिंग कंपनी में काम करता था। आरोपी साल्गाडो 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उस पर फर्स्ट डिग्री हत्या के चार आरोप लगाए गए थे। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी साल्गाडो पर कई तरह के आरोप लगे हैं। उस पर इससे पहले आगजनी करने का भी आरोप लगा है। अगर साल्गाडो दोषी पाया जाता है तो उसे बिना किसी पेरोल के अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में 3 अक्टूबर को एक सिख परिवार के चार लोगों को अगवा कर लिया गया था। बाद में 5 अक्टूबर को चारों के शव बरामद किए गए थे। मरने वालों में 8 महीने की आरोही धेरी, उसकी मां 27 साल की जसलीन कौर, उनके पिता 36 साल के जसदीप सिंह और 39 साल के अंकल अमनदीप सिंह शामिल थे। साल्गाडो ने उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा किया था। वारदात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आग में धुंधू कर चलता हुआ अमनदीप का ट्रक 3 अक्टूबर को बरामद किया। इसी दौरान पुलिस जांच में सिख परिवार के लापता होने का पता चला। मामले की जांच आगे बढ़ने पर एक सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध बंदूक की नोक पर परिवार को अगवा कर उन्हें ट्रक में बैठाता नजर आया। शख्स की पहचान जीसस साल्गाडो के तौर पर हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद मंगलवार रात को साल्गाडो ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। इसके बाद उसे 2 दिन तक अस्पताल में रखा गया और फिर वापस जेल लाया गया। मामले में साल्गाडो के भाई को भी साजिश रचने और सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पीड़ित परिवार मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर के हरसी पिंड का रहने वाला है। सिख परिवार को 3 अक्टूबर को कैलिफोर्निया की मर्सेड काउंटी से अगवा कर लिया गया था। दरअसल साल्गाडो पीड़ित परिवार के साथ काम कर चुका है और उसका परिवार के साथ लंबे वक्त से विवाद भी रहा है। बहरहाल साल्गाडो ने अदालत में सभी आरोपों से इनकार किया है। साल्गाडो को अब 15 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।